हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। बच्चों, आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का जो नाइन्थ नंबर का क्वेश्चन है इसे सॉल्व करना सीखेंगे। ये पूरा पूरा सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही। तो अगर आपने 8 वाला नहीं देखा वीडियो तो जरूर देख लेना। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियोज का लिंक आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और यहाँ पर देखो क्या क्वेश्चन हमारा है कि राइट द नेचुरल नंबर फ्रॉम 102 टू 113, यानी 102 से 113 तक के आपको नंबर्स लिख लेने हैं। और उसके बाद व्हाट फ्रैक्शन ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स। अब इसमें आपको ये बताना है कि उसमें टोटल कितने प्राइम नंबर है, तभी फिर आप बता पाओगे कि उसका फ्रैक्शन कितना बनेगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 बनाया था ना, सेम वैसी है, बस वहां 2 से 12 तक की गिनती लिखनी थी, यहां 102 से 113 तक लिखना है। तो अगर आपको प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये सब जानना है तो प्रीवियस वाला देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। यहां पर हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। आइए कॉपी में चलते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो कि यहाँ पर हमारे पास 102 से 113 तक कौन कौन से नेचुरल नंबर है वो लिख लो। तो नेचुरल नंबर का मतलब होता है सिंपल जो काउंटिंग आप करते हो ना, उसी नंबर को हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ पर गिनती लिख लेना है, काउंटिंग लिख लेना है। तो 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, फिर उसके बाद 10, देन 11, 112 और 113। ये हमने क्या किया, पूरे नेचुरल नंबर्स लिख लिए 102 से लेकर के 113 तक। अब इसमें आप ये भी देख लो कि टोटल हमारे पास कितने नंबर्स हो रहे हैं, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख ही लो। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, तो टोटल हमारे पास 12 नंबर्स हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप लिख लो टोटल 12 नंबर्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इनमें से प्राइम कौन कौन सा नंबर है ये चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे फिर से कि प्राइम नंबर्स, इस तरीके से प्राइम नंबर्स। तो अब यहाँ पर प्राइम नंबर कौन कौन सा है, तो प्राइम नंबर उसको बोलते हैं जो केवल खुद से डिवाइड होता है या फिर वन से डिवाइड होता है। जैसे कि 3 हो गया, 3 केवल खुद से डिवाइड होगा या फिर वन से डिवाइड होगा। 5 हो गया, 5 केवल खुद से डिवाइड होता है और वन से डिवाइड होता है, तो उनको प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी वैसी नंबर हमको ढूंढना है जो केवल खुद से डिवाइड हो। जैसे 102 है, ये तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 103 किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहला तो प्राइम नंबर हमारा 103 हो जाएगा। उसी तरीके से 104 है, लास्ट में 4 है, यानी कि ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 105 है, लास्ट में 5, यानी कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो दूसरे से डिवाइड होता है उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, तो ये हमको नहीं लिखना। 106 है, लास्ट में 6 है, तो भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से। ये हमारा लास्ट में 7 है, 107, ये किसी से डिवाइड नहीं होने वाला, तो ये हमारा अगला प्राइम नंबर हो गया। आगे चलते हैं, 108 है, ये भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 109 है, इसको आप सोचोगे कि लास्ट में 9 है तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 9 और 1 होता है हमारा 10, और 10 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता, इसीलिए 109 भी हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पर ये भी हमारा क्या हो गया, एक प्राइम नंबर हो गया। आगे चलते हैं, 110 2 से, 5 से, बहुत सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो हमारा कंपोजिट है। 111 हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा किससे डिवाइड हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। टोटल इसको ऐड करो तो 3 आ रहा है ना, जो 3 जो है 3 के टेबल में आता ही आता है, इसलिए ये हमारा 3 से डिवाइड हो जाएगा। 112 भी हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। 113 किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये भी क्योंकि हमारा एक प्राइम नंबर है। तो ये हो गया हमारा टोटल, हमारे पास कितने प्राइम नंबर मिल गया, 1, 2, 3 और 4। तो इक्वल करके यहाँ पर ये भी लिख दो आप कि 4 नंबर्स हमारे पास जो प्राइम है ना, वो टोटल 4 नंबर्स हैं। अब आपको क्या करना है, इसी का केवल फ्रैक्शन बता देना है। तो फ्रैक्शन के लिए हम जानते ही हैं कि टोटल जितने नंबर्स होते हैं उसको डिनोमिनेटर यानी नीचे लिखा जाता है, और जितने के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, जैसे प्राइम के बारे में पूछा जा रहा है, तो प्राइम कितने रहेंगे उसी को हमको न्यूमिनेटर में ऊपर में लिखना है। तो प्राइम हमारे पास 4 है, तो उसको आप न्यूमिनेटर में लिख दो। तो यही हो जाएगा इसका फ्रैक्शन वाला फॉर्म, और यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, पहले टोटल नंबर्स लिख लेने हैं, फिर पता लगाना है प्राइम नंबर कितने हैं, और उसके बाद फिर बस टोटल नंबर्स को नीचे और प्राइम नंबर जितना है उसको ऊपर लिख दो, बस यही हो जाएगा आपका फ्रैक्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर जो अगला क्वेश्चन है उसे भी हम सिंपल मेथड में सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।